वेलकम बैक। हाय अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, कितनी प्यारी बहार है। अच्छा जी, इससे पहले कि बहारों का जिक्र करूं और बातों का जिक्र करूं, आज बाजारिया कुरानदाजी, खजाना रोजाना, प्राइम टाइम ड्रामा, क्विज, जीतने वाले खुश नसीबों के नाम का ऐलान किया जाएगा और खोजे का बच्चा जो है आज ऐलान के बाद जो है बहुत सारे इनाम देगा और इनाम में बहुत कुछ है, तो हमारे साथ रहिए। ये मेरा मुल्क है, मेरी कौम है। उनको नहीं देते जो फोन करे, उनको ही रहिए, मुझे आज तक नहीं। अरे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, इससे बड़ा तोहफा चाहिए। नहीं तो उन्हें कार वापस मेरा फायदा, तो मेरे डिजाइनर को अवार्ड दो। इतना मेरे डिजाइनर ने इतना बहुत खूबसूरत कपड़े और बहुत प्यारी लग रही है। तुमने कहा बहारा बन के आना, उसे मुझे बहारा बना के रजा, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बहारा बनाया, थैंक यू सो मच। जश्न बहारा लग रहा है, जश्न बहारा रियली थीम का भाई, इस जश्न बहारा की क्लैप जाती है उसको वैसे रियली। इस जश्न बहारा के मौके पे, आपके खूबसूरत जोड़ों के मौके पे मैं जो है एक शेर पढ़ने जा रही हूँ, वो है, हर दिल में, हर धड़कन में, हर जगह रहती हो तुम, हर रंग है खास तुम्हारा, हर बात पे जुदा अंदाज, तुमको है सलाम क्योंकि तुम में है कुछ खास। Nestle Everyday, तुम में है कुछ खास। हाँ, एक शेर क्या आया है, तुम्हारा शेर है। ये शेर है, ये शेर है कि बहू भी ले, ये शेर ये शेर ये शेर लोग शेर कहते हैं, ये मैंने तेरी नकल की है जिस तरह तुमने देखा है, देखा लोग शेर कहते हैं, इसे शेर दिखा दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बब्बर शेर दिखाइए कैसा होता है भाई, ये तो शेर नहीं थी, अब बब्बर शेर कैसा होगा भला, वो देख ले अभी दिखा दो। अच्छा जी, सवालों की जरा बौछार शुरू करते हैं। हमारा एवरीडे का जो सेगमेंट है वो शुरू हो जाता है जिसमें हम एक कपल जो है उनसे बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और बात करते हैं उनकी दिल की बात है। अब डॉक्टर साहब का कपल कोई और है, आपको भी पता है, वरना मैंने ये सवाल आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी पूछ लेने थे, मगर डॉक्टर साहब ने नाराज हो जाना है। एक दूसरे को जानते ही हो लोग गए, कौन नहीं जानता बर्सा को, कौन नहीं जानता मुझे, मगर ये सवालों का बुछाड़ फिर इधर भी थोड़ी सी रहेगी। बैक दिस स्क्रीन रहते हैं लेकिन फ्रंट पे भी आज जरा कुछ बोलना पड़ेगा आपको, है ना डॉक्टर साहब, वैसे आप इतना अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर साहब मुझे आज वैसे लग रहा है कि डॉक्टर साहब मियाँ बीवी बच्चे समेत, बस इतना ही कहना था, कुछ नहीं कहना चाह रही आप, आज मुझे आप बहुत टेंशन दे रहे हैं। नहीं, मैं टेंशन नहीं दे रहा, मुझे जो है लग रहा है कि मुझे कहाँ प्लेस किया हुआ है। मैं आपको मैनिक्विन की जगह प्लेस कर देती हूँ, आप सिर्फ ऑर्डर करें आपको किन कपड़ों में ऑर्डर प्लेस होना है। मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ, आप मुझसे वैसे ही कुछ इस्तेफादा कर लें, मुझे बताएं मेरा इलाज किस तरह मुमकिन है। ये एनर्जी सुबह ही सुबह हो सकती है, सुबह ही हो सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब को बड़ा तंग करना है हमने जी। सवालों की बौछार, पहला गिफ्ट क्या दिया शादी के बाद, शादी से पहले नहीं बताना है। अच्छा शादी के बाद, हाँ शादी के बाद टेंशन में आ जाऊंगा, शादी हो गई है, हाँ हो गई है। गिफ्ट दे चुका हूँ, पता नहीं कौन सा, पहला बताया मैंने, पहला इनकी तो अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, सोच समझ के बताएंगे, बड़ी माजिद अंडरस्टैंडिंग करके शादी हुई है। वैसे इसका जवाब बहुत अच्छी, हम तो खुद भी पूछती ना उसको पता होता पहला गिफ्ट क्या दिया, देखो उधर बता नहीं दास्ते हो मेनू की ये गिफ्ट किया, जिन में नहीं हुआ खावर रियाज, खावर रियाज दिया गिफ्ट, खावर रियाज लड़के चले बनाई थी है, खावर दिया नहीं, हाँ हाँ क्यों कर रही हो, जवाब तो पूछो, खावर बहुत स्वीट इंसान है, बहुत प्यार कहते, बताओ ना यार डायमंड की वो भी रिंग थी, गोल्ड व्हाइट गोल्ड, वो इसलिए दिया था कि पता चले कि मैं शादीशुदा हूं, सबको पता चले, और वो पहनते हो वो घर रुके, खास वो पहना करो, खास मैसेज बता रही हूं, जितनी लड़कियों की तुम पे नजर है, देखो मैंने अंगूठी पहनी है वैसे, ये देख ले, ये नहीं चल्ला बनाओ डायमंड वाला ताकि सबको पता लग जाए कि तुम एंगेज्ड हो, है। अच्छा जी, अब ये बताइए कि पहली लड़ाई कब हुई थी शादी के बाद, किस बात पे, काफी वो आ गया था, मीडिया बहुत आ गया था,
तो फैमिली के मेंबर आ नहीं रहे हाँ। तो क्या दो तीन घंटे हो गए थे हाँ। तो बस मेरा लड़ने लगी मैं इसी हो गए तो मुझसे लड़ी की तुम जाके करो ये वो मैं हाँ। इजी मैं करता हूँ अभी हाँ। सब करो मैं स्टेज पे बैठा हूँ मैं ऐसे नहीं जाके लड़ सकता सही बात। मीन के फिर मैंने अपने भाई को कहा कि यार साइड पे करो क्योंकि फैमिली ने भी आना है क्योंकि मीडिया ने सारा कवर किया हुआ था। खास रंगत की भी बात पूछूंगी कि ये क्या बात है कि खास पहले आप जो थे बहुत गोरे थे अब जो है हुमैरा ज्यादा गोरी होती जा रही है ये खास रंगत का रंग रूप स्विच किया है ये कि ये किया है स्विच पता इसलिए किया है कि मैं अभी कंपटीशन लड़ रहा हूँ यूनिवर्सल मॉडल का हाँ। अमेरिका में मियामी में मेरा कंपटीशन है जून में वाओ। तो उसमें टैन होता है आपको पता है यू नो मॉडल्स तो अगर व्हाइट जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चिट्टा जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा मॉडलिंग में टैन ज्यादा लुक अच्छी आती है स्किन पे अच्छी लगती है आपके शूट में अच्छा लगता है। तो ये आप वैसे बीचेस पे जाके जो है हॉलैंड की बीचेस में अपनी छत पे न्यूयॉर्क की बीचेस पे जाके आप जो है वो सनबर्न लगा के लेट जाते हैं नो 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 इधर अब यहाँ पे तो कौन से बीचेस आते हैं बाकी की जगह टैन जो है बहुत खूबसूरत लगता है कहते हैं यहाँ पे कौन से बीच की है यहाँ पे बीच बीच आप बस बीच में रहें ओके okay. नावी में चले जाएंगे आप बीच में रहने की ना बहुत खासियत होती है पूल्स पे जैसे ओपन एयर पूल्स उस पे जाके टैन करते हैं मगर इजीली हो जाता है फर्क पड़ता है। भाई और बहनों जो लोग का रंग बहुत गोरा है वो काला होने के लिए जो है ना अहमद बट को रुजू करें। अच्छा जी गा के कभी मनाया है हुमैरा को गा के बहुत गा के हुमैरा ने मुझे मनाया मैंने नहीं मनाया अहमद ने नहीं मनाया। कौन सा गाना गाती है अपना या किसी और का जब गा के मनाती है पहले तुम उनसे सवाल कर लो ना फिर जब मेरी तरफ वो उधर डाल देता है ये मनाती है तो अब उधर क्या पूछूं नहीं वैसे पता क्या ये मेरी बात मैं आपको मैं जवाब देता हूं एक सेकंड मैं ही देता हूं जवाब हुमैरा को जब इसका उसको पता है मुझे क्लासिकल बहुत अच्छा लगता है हाँ। सलामत अली खान साहब बड़े खान साहब तो फिर हुमैरा कुछ ठुमरी या कुछ अच्छी क्लासिकल गाना सुनते हैं हाँ। डॉक्टर साहब आपको किस किस्म के गाने पसंद है ठुमरियाँ या फिर वो बहुत बारीक से इंसान है डेफिनेटली उन्होंने अच्छा म्यूजिक सुनते हुए मेरे मुंह से निकल गया ठुमरियां मैं समझ ही नहीं आ रही ठुमरियां पसंद है वाह वाह बस डॉक्टर साहब आए इतनी इंप्रेस हुई इनकी तबीयत से कि तंजो मजा तो साथ दिखाने ना हुनर के जोहर दिखाने आगे भाई जब मौके मिल सकते हैं ना मुझे आपकी स्क्रिप्ट के तो फिर मैं फिर क्या करूंगी क्यों नहीं है कि नहीं मुझे वो गाने पसंद होते हैं जिनमें एक फील हो फील कौन सी फील कौन सी कड़ी फील तो उसमें भी होती है गाना कोई भी हो जो आपके दिल में उतर जाए आप पे एक सहर तारी कर दे तो क्योंकि गाना जो होता है ना बुनियादी तौर पे जैसे अभी हमारा गा रही थी जी इनके गाने में पूरे बसंत के रंग थे पूरे विजुअली आपके इर्द गिर्द होता है एक खूबसूरत सा हाला बन जाता है हाँ। इसी तरह जब आप अच्छी गजल सुनते हैं और उसकी पोइट्री अच्छी हो हाँ। और उसको अच्छा गाया हो हाँ। गाने वाला जो होता है वो उस लफ्ज जो होता है ना उस लफ्ज की एक बहुत बड़ा विजुअल बना देता है जिसमें आप गुम हो जाते हैं। आए हाय क्या बात है। खास रोमांटिक कौन है दोनों में से कपल में खास रोमांटिक कौन है कि ये क्यों पूछ रही हैं बता देना मैनू सवाल क्यों आज ऐ सवाल मैनू दस दें कि रोमांटिक कौन है दोनों 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 रोमांटिक है ऑब्वियसली दोनों ही रोमांटिक है तभी तो शादी हुई तभी तो वो खूबसूरत नन्ना मुन्ना आया बच्चा दुनिया में मैं इतनी रोमांटिक हूं फवाद कम है फवाद कम है मैं बहुत रोमांटिक हूं जैसे होता है ना फर्क होता है दोनों नहीं हम तो दोनों ही है दोनों ही है ये दोनों ही प्यार जो है उरूज पे है आप लोगों का माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चाय में चीनी खास कितनी लेते हैं मैं तो शुगर लेता हूं चाय पीता हूं मैं ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी दैट्स इट। अच्छा और आप सारा दिन में कितने कप चाय लेती हैं मैं दो तीन कप अब सर्दियों में लेती हूं गर्मी में मैं नहीं पीती चाय और रूट जाए तो कौन मनाता है खास मैं अहमद मनाता है सब बंदे को मनाना चाहिए अहमद तुम बहुत अच्छे हो यार अच्छा तो बुड्ढी नहीं मना सकती उन लड़कियों की किस्मत फूट गई अच्छा अगर बंदी की गलती हो तो बंदा ही कहे प्लीज यार माफ कर अरे तो ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर दिए लाइफ ये सारे सवालों के जवाब जो है ना अहमद तुमने दिए हैं तो मेरी दोस्त घर जाके चाय नहीं बनाया करेगी चाय तुम बनाओगे तुम पीते नहीं हो तो तुमने बना बना के पिलानी अपनी बेगम को ठीक है नाज़रीन और हाज़रीन जोश में अहमद बच्चे अपने ऊपर चाय गिरा लिए और इस चाय के लिए कमेंट्री जो है वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाय का मग्गा लूंगी और तंग करूंगी चाय मिलेगी उन्हें जो जिनसे क्वेश्चन हो रहा है
माफ करे माफ करे, आपने क्या समझा मुझे? ये चाय नहीं मिलेगी, इससे क्वेश्चन होंगे मेरी। अरे माफ चाय मिलेगी नहीं, नहीं नहीं चाय आपके लिए ठंडी यख चाय। अब भी आपको मैं गर्म करा के देती हूँ उस गाने के बाद। ये सर्दियों की चाय। वक्त हुआ चाहता है कि अहमद भट्ट जो है वो हमें एक मजे का गाना सुनाए। और अहमद भट्ट कौन सा गाना सुना रहे हैं? पंजाबी है भंगड़ा सा। क्या बात है। और भट्ट साहब को मेरे साथ में डांस करवाना। ओहो दो भट्ट हो जाए। नहीं ऐसे दो भट्ट। डॉक्टर साहब दांत दे रहा हूँ। नहीं दांत देने का मतलब दांत निकाल के दे देते हैं। दो चलो डॉक्टर साहब एक तो ठुमका होना चाहिए, दो बट है, दो बट है, आज तो निकले निकले। अभी इसके बाद मैं कहूंगा कि बट सब और मेरे साथ स्क्रिप्ट लिखे। नहीं डॉक्टर साहब आपको जो आप जो काम नहीं करते हैं वो करते हैं। जो काम आदमी को नहीं आता ऐसे नहीं आता सर। आप इतना डॉक्टर साहब एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक लें। आप ब्रेक तो जरूर ले सकते हैं डॉक्टर साहब। इस कैमरे पे आपने ब्रेक पे भेजना है, ये काम मैंने आपसे खास करवाना है। जो ही गाना शुरू करेंगे तब ब्रेक पे जाना। पहले पहले जी पहले ब्रेक भेज दें। ब्रेक हाँ वापस आके उनको बता दीजिएगा हमने गाना सुना है मत। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे और फौरन वापस हम आते हैं क्योंकि हम इसके बाद आपको सुनाएंगे भट्ट साहब का गाना, तो डोंट मिस इट। इसलिए आप यही रहिएगा, हमारे आने का इंतजार कीजिएगा। मेन पे आगे जो बैक सिंगिंग होते हैं लिखते हैं, बाकी कॉमेडियां सारी लिख के सबकी ऐसी तैसी करके आज हम फ्रंट पे फंसे हुए। देखिए इनके इनके आप इनसे क्लोज करें प्लीज, क्लोज करें, क्लोज करना चाहिए बस। और इस प्रोग्राम के बाद मैंने भट्ट साहब से स्क्रिप्ट लिखवाना है। और डेफिनेटली सर लाइए सर। ठीक है एक वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके